प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि क्यों हमें मुस्कुराना चाहिए। दोस्तों, जो मुस्कुराते हैं वो एक खुशी का इजहार करते हैं कि वो अंतर मन से खुश हैं। तो इस मुस्कुराहट से, इस स्माइल से आपको इतने सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। आपकी जिंदगी कितनी खुशनुमा होने वाली है, आओ देखें। इसके 6 रीजंस बताए हैं मैंने, तथा एक एक रीजंस जो है आपकी जिंदगी को और भी खुशनुमा बना देगा यदि आप अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट लेके आए। आपके आंखों में शाइन आना चाहिए, तो ये बेनिफिट्स आप ले सकते हो। तो देखते हैं एक एक बेनिफिट हम। फॉर रिमेम्बरिंग हैप्पी मोमेंट्स, एक रिसर्च हुआ है, बहुत लोगों ने ये रिसर्च किया है कि हमारी जो स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, वो कोई ना कोई ऐसा पेन है हमारी हिस्ट्री में है, हिस्ट्री है, कोई ऐसी चीज है जो हमें दिन रात पेन दे रही है, हमारी हिस्ट्री में है कोई भी ऐसा दुख। क्योंकि हम दुनिया की हर चीज को याद कर लेते हैं अपने ब्रेन में, तो वो वापस फिल्म की स्टोरी चलती है। हर चीज को, किसी ने तकलीफ दी, किसी ने आपको हार्ट ब्रेक किया, या किसी ने आपको गलत बोला, बट हम जो अपने हैप्पी मोमेंट्स हैं उसको भूल जाते हैं। हिस्ट्री याद कीजिए, एक स्माइल लीजिए, सोचते जाइए अपने पास्ट की हैप्पी मोमेंट्स, तो आपको इतने सारे खजाने मिल जाएंगे यार कि आपको स्ट्रेस लेने का टाइम ही नहीं मिलेगा। यानी हिस्ट्री याद करनी है तो जो आपका स्माइलिंग होगा, जो आपको चेहरे पे स्माइल आएगी, वो आपको हैप्पी मोमेंट्स में ले जाएगी, वो पल जब आप बहुत खुश थे, दोस्तों के साथ बचपन में एंजॉय किया आपने, वो चीज हमेशा आपको याद रहेगी। तो उससे आप ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस फील करोगे, आनंदित फील करोगे। सेकंड, गेटिंग एनर्जी फॉर फाइटिंग बैड सिचुएशंस। देखो, जब भी बैड सिचुएशंस आती हैं तो ब्रेन में क्या है कि बैड केमिकल बनने लग जाते हैं, हम उसके साथ फाइट नहीं कर सकते। क्योंकि ब्रेन का काम किसी के चीज के साथ फाइट करना नहीं है, ब्रेन का काम है कुछ याद करना, उसको वापस आपके देना, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। बट अगर आपको एनर्जी की सख्त जरूरत है इस बैड सिचुएशंस से फाइट करने के लिए, तो आपको एक अच्छी हैबिट बनानी पड़ेगी। वो उस हैबिट का नाम है गुड, जो गुड हैबिट्स है आपकी, वो है स्माइल। अच्छी से स्माइल हो, अच्छा फील करो, जो आपके ये फेस वाले इमोशंस हैं, ये जो गुड केमिकल्स बनाएंगे, गुड केमिकल्स बनाएगा आपका ब्रेन। बट ब्रेन को भी तो इनपुट चाहिए ना, चाहिए ना इनपुट, इनपुट, वो इनपुट आप स्माइल से दे सकते हो। उससे आपकी एनर्जी दिन दुनी चार चुगनी होती जाएगी, जिससे आप बैड सिचुएशन से फाइट कर सकते हो। ऐसे सिचुएशंस आप बना सकते हो, आपका ब्रेन एक आइडियाज दे देगा कि नहीं यार, इस ऐसा नहीं तो ऐसा। गेट मोर पॉजिटिविटी। देखो, जब भी कोई इवेंट हैपन होता है, आपके दिमाग में उसके संबंध में काफी नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं। यदि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो, जो आपका सेफ्टी लेवल है, तो इस नेगेटिविटी से आपको ही नुकसान होता है।
तो हम पॉजिटिविटी कैसे लेके आए? स्माइल से, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके कि हाँ मैं खुश महसूस कर रहा हूं, उस खुशी को दूसरे को दिखना चाहिए वो जो खुशी है। उससे क्या होगा कि आपके ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारे बिलियंस ऐसे सेल हैं जो पूरी बॉडी में जाएंगे कि हाँ ये व्यक्ति पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हम अपने पूरी बॉडी को यह बताना चाहते हैं कि हम पॉजिटिव हैं, तो एक्सप्रेस तो कीजिए। स्माइल से आप एक्सप्रेस करोगे, जब वो सिग्नल देगा अपनी पूरी बॉडी को कि हाँ यह पॉजिटिव है, तो उस पॉजिटिविटी की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। हेल्पफुल फॉर गुड हेल्थ। देखो स्माइल का, मुस्कुराने का, हंसने का, खेलने का जो सबसे अच्छा इंपैक्ट होता है वो हमारी हेल्थ के ऊपर होता है। आप कोई भी एक्सरसाइज मत कीजिए, आप सिर्फ इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए कि मैंने स्माइल के इमोशंस में रहना है, सैड के इमोशंस में नहीं, दुख की फीलिंग में नहीं, सिर्फ स्माइल की फीलिंग में रहना है। मैं अच्छा फील कर रहा हूं, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग बेटर, तो उसकी एक्सप्रेशन अपने फेस पे लेके आनी है, अपने आईज पे लेके आनी है, अंदर ब्रेन को सिग्नल से ऐसे देने हैं। तो उससे क्या होगा, आपके जितने भी सिस्टम्स है, सबसे पहले है डाइजेशन सिस्टम, भोजन नहीं पच रहा था भोजन पचने लग जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम, आपका खून बनने लग जाएगा, आपका हार्ट सिस्टम, अच्छा ब्लड की सप्लाई, प्योर जो ब्लड है जाएगा बॉडी में, आपका डाइजेशन सिस्टम भी ठीक, इम्यून सिस्टम भी ठीक, आपके हार्ट्स भी ठीक, आपके लीवर भी ठीक, आपकी किडनी भी ठीक, तो टोटल ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा रहेगा। आप में जो एनर्जी नहीं मिल रही थी फूड से वो कई गुना ज्यादा मिलेगी। आप में जो डिसीज आने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। तो इतने मतलब लाभ है सिर्फ एक एक्सप्रेशन देना, मुस्कुराना, दिल से मुस्कुराना, यू आर फीलिंग गुड, आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। इंक्रीज ट्रस्ट लेवल। देखो ट्रस्ट क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति जुनून स्माइल कर रहा है या फेक स्माइल कर रहा है, देखने वाला हमेशा ही यह सोचता है कि यह जेन्यून कर रहा है। तो आप देखते हो ना कि एक फिल्म एक्टर होते हमारे जैसे ही है, पर जब वो स्क्रीन पे आती हैं तो मिलियंस बिलियंस लोगों को हंसा देते हैं। लोगों का जो आईज होता है व्यक्ति को जब देखता है, एक्सप्रेशन देखता है, वैसी उसकी तस्वीर बन जाती है। आप अंदर से काफी दुखी हो, होने दो, आप अंदर से दुखी हो, चेहरे को इस तरह से स्माइल कीजिए कि आपका विश्वास इंक्रीज हो जाए। आपके फैमिली का कोई भी मैटर हो, किसी भी तरीके का, जब आप बिजनेस में आ गए, जब आप अपने प्रोफेशन में आ गए, स्माइल कीजिए। ठीक है, इट इज अ फेक, मैं मानता हूं इट इज अ फेक, बट दूसरा इसको जेन्यून मानता है, जेन्यून से आपको ट्रस्ट मिलेगा, आपका ट्रस्ट लेवल जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं वो इंक्रीज हो जाएगा। उससे आपको बिजनेस में, उसमें उससे आपको रिलेशनशिप में सफलता मिलेगी। इतना सी तो काम है, सिर्फ स्माइल, झूठी सही पर लोगों को अच्छा दिखना चाहिए, आपका ट्रस्ट इंक्रीज होना चाहिए। जब बहुत सारे फेक स्माइल भी आप करने लग जाओगे ना तो आदत है, आपको जेन्यून स्माइल की हैबिट बन जाएगी। स्माइल इज फ्री कैपिटल। भगवान ने एक बहुत अच्छा गॉड गिफ्ट दिया है
कैपिटल का। आप कहीं भी कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप ये की क्वेश्चन कहते हो, बहुत एंग्री हो गए, बहुत सैड हो गए, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो पूंजी नहीं है। अरे आपकी बॉडी अपने आप में बहुत इतनी मतलब कह सकते हो कि बेअंत अनलिमिटेड कैपिटल है। भगवान ने तो आपको स्माइल दिया है, कोई भी छोटा काम नीचे से चलिए, स्माइल से उस काम को कीजिए, मुस्कुराते हुए काम को कीजिए, एक हैबिट बनाइए, तो उससे क्या होगा कि आपकी ये जो कैपिटल है इन कन्वर्शन द मनी। सिंगर्स, डांसर्स, एक्टर, हीरोइन, कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जहां अगर वो मुस्कुराए ना तो उनका बिजनेस चल सके, ऐसा है ही नहीं। मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई भी सेलिब्रिटी आप अगर देखते हो तो उसके पास एक कैपिटल होती है जो वो यूज करते हैं, हम यूज नहीं करते, हमारे पास भी है, हम भी स्माइल हो सकते हैं, कर सकते हैं, तो यूज आपके पास है, आपके पास कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल है आपके पास, स्माइल। तो इससे आप की खुशियां, आपका सक्सेस लेवल दिन दुगने या चौगने तक करता जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इन बातों को सुनने के बाद, इनका लॉजिक समझने के बाद, आप डे में कम से कम एक घंटा स्माइल करने की प्रैक्टिस करोगे, और तब तक करते रहोगे जब तक यह आपकी जिंदगी की एक आदत ना बन जाए, क्योंकि एक ऐसी अच्छी आदत है जिससे आप प्रोग्रेस की तरफ जाने वाले हो। ओके, थैंक यू।